अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेके आए एक और बेहतरीन पेशकश, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पता ही ऑलरेडी कौन सा एपिसोड है ये। बार बार मैं आपको परेशान और बोर नहीं करना चाहता, मेरे को रोज़ ऐसे लगता है कि मैं बार बार आपको बोलता हूँ। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ड्रिली सैरथ्रुल सीजन 5 एपिसोड नंबर 58 पार्ट 2। हालांकि आपको ये चीज़ पता होती है, बट कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको बोलेंगे, हमारा काम है ये। तो चलें आगाज करते हैं। कहो ना, सरदारी आला का नुक्ता है नजर हमें हमें इनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हें सरदार नहीं मानती और ना ही तुम्हारे हुक्म को। माशाल्लाह। जाना है तो तुम्हें पहले हमसे टकराना होगा। वो टकरा बेबू, चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर। तो फिर मैं तुम सबको कुचल डालूंगा। कुचल चल, मगर फैसला नहीं बदलूंगा। कुचल ना ये यड़िया, कुचल। ए भाई, उसकी भाई इसकी निकलेगी अभी। फैसले को कुचलने के लिए आ गया हूं मैं, बोला था। अरे तू भाई देखा था टंडा मेरे को सच में उरु विश्वास नहीं हो रहा। सही सही भाई, ओ मार अभी कुतरिया। लेकिन फिलहाल उसका जिंदा रहना जरूरी है। अगर वो मर गया तो तवासुन बिगड़ जाएगा। ना मंगोल और ना ही हम किसी और दुश्मन के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, तो ये कौन सा रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं? फिर से बेचारा बेवकूफ बन रहा है। इस पे मुझे तरस आता है। से मारने वाला था ना ये। आपके रिवायत को छुटलाना चाहते हैं अर्तुल सरदार। रिवायत की बुनियाद इंसाफ पर कायम है। अगर इंसाफ से ना बलद हैं तो आप कुछ भी नहीं। कोई भी मेरे कबीले में आकर या मेरे औताक में हुक्म नहीं चला सकता। कैसे हंसर है ना, सबको खुशी नहीं होती यार बड़ी जब ऐसे बोलते हैं। उसने मेरी बहन पर वार किया तो क्या करना चाहिए था मुझे? सबका मौका सुनना चाहिए था।
बिल्कुल। अभी मर मरना मरना गुस्सा आ रहा मेरे को इस पे। सॉरी यार। हादसे के फरीकैन को सुनेंगे, गवाहान से गवाही लेंगे इस वाकई की। सिखाओ इसको थोड़ा कौन हक पर है और कौन गलत है, ये सामने आ जाएगा। बच्चा है ना यार, पहली बार है उसका, फर्स्ट टाइम सरदार यार साबित होने का डर है तो ठीक है, बुलाइए गवाह को। लेकिन अगर मैं हक पर साबित हो गया तो सजा की हकदार सिर्फ सलजान खातून ही नहीं, पूरा कबीला इसकी कीमत चुकाएगा। करना तो बेवकूफ बोल रहा है, इधर कुछ नहीं कर सकता तो खवातीन को लेकर ढिट्टू ढिट्टू है ये ढिट्टू। वो देख वो अपने कोड़े लेके जा, अपने कोड़े बीड़े कोड़े बीड़े नहीं हो लिया तो खवातीन आ गई ना सारी जो उधर मौजूद थी। जब तक वो भी आ गई। ओ मिस क्या बोलते इसको, सिरमी टेडी अखों से देख रहा है सिरमो खातून। आपने सिरमा खातून को खंजर क्यों मारा सुजान खातून? मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था, अगर ऐसा होता तो बहुत पहले ही मार देती। भाई के सरदार बनते ही ना सिर्फ मेरी बेइज्जती करने लगी बल्कि दीगर खवातीन से भी हकारत से पेश आती। ये भी तो बताइए कि आपने क्या कहा था अलन चक और मेरे मुतालिक, क्या कहा था भूल गई क्या? ऐसे अल्फाज कहे थे जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकती। सही तो कहा उसने ना, जो देखा वो कहा। जवाब दीजिए सज्जन खातून। ये हमारी पहली बहस नहीं थी भाई, हर दफा इसे आईना दिखाने की कोशिश की लेकिन इसे कत्ल करने का कभी सोचा तक नहीं मैंने। खंजर पहले इसने निकाला था, मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो छीना झपटी में खंजर इसे लग गया। क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल। पहले सिरमा खातून ने वार किया, सज्जान खातून को उनका मुकाबला करना पड़ा अपने दफा में। खंजर पहले सिरमा खातून ने निकाला वार करने के लिए, सज्जान खातून के पास अपने दफा की कोशिश के अलावा कोई और चारा था क्या? इस झगड़े में अगर खंजर लग गया तो इसे इरादतन नहीं कहेंगे। आपके कबीले की खवातीन तो सलजान खातून की ही हिमायत करेंगी, मुझे शिकायत है ये जानबूझकर किया इन्होंने। खून बहाया मेरा। तो क्या आप सच बताएंगी इलबिल की खातून? इलबिल की हादसा कैसे हुआ? हाँ ये बताएगी, ये बता सकती है, हक पे रहती है ना, देखते हैं। मैं झूठ नहीं कह सकती चाहे फरीक मेरी बहन ही क्यों ना हो। क्या बात है, खवातीन ने जो कहा सच है। सही। अरे वाह, सलजान खुश हो गई। हाय हाय। पहले खंजर सिरमा ने निकाला और झगड़े के दौरान वो खंजर सिरमा को लग गया। अरे सच ही तो बोले। अरे ना इतना क्या। अगर सलजान खातून को एक कोड़ा भी लग जाता, एक कतरा भी गिरता अगर इनके खून का, भाई तो मैं खून के जिस दरिया में तुम्हें डूबो था उससे हलाकू खान भी नहीं बचा पाता। मजा आ गया भाई, कसम से। सब सुन ले, खून के किस दरिया की बुनियाद पर किए गए हर फैसले का
जवाब खून से दिया जाएगा। और अब उम्रुल्ला खवातीन अपने कबीले जा सकती हैं। निकलो। आप लोग भी जा सकते हैं। क्या सरदार आला उधर नाम का खड़ा है, कुछ बोलना? मुंह में क्या ठूस लिया अभी तूने मुर्गा? नहीं जमा है मुर्गा। मुझे कुछ जरूरी उमूर पर बात करनी है तुमसे। बोले अलबस्ती है मैं। कौन सा अलबस्ती है बे तू? नून सीन ने बता दिया उसको। शुक्रिया वालिदा, आखिरकार इंसाफ की जीत हुई। आप मेरी ढाल बनी रही, वरना न जाने क्या होता। कैसी बातें कर रही हो बेटी, जो तुम पर बीती वो हमने भी महसूस की। खुशी इस बात की है कि मेरी वजह से अर्तुरुल भाई के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी हुई। तुम्हें जालिमों के हाथ कैसे छोड़ देते हम? इलबिल की खातून ने हैरान कर दिया हमें। उम्मीद नहीं थी वो सच बोलेंगी, लेकिन मैं गलत थी। हैरानी की कोई बात नहीं अफसा खातून, हमारे पास गवाह मौजूद थे। जब उसने ये देखा कि हम मुकदमा जीत रहे हैं तो उसने भी हमारा ही साथ दिया। कब अपनी राह बदल ले कुछ मालूम नहीं, उस पर भरोसा नहीं कर सकते हम। बेटी सच तो यह है कि उसकी गवाही से ये मसला तब्दील होने से बच गया। उसने सच के लिए अपने भाई और बहन को नहीं देखा और गवाही देकर ये मामला इंसाफ के साथ हल करवा दिया। बेशक, बिल्कुल। जो कुछ उसने किया वो कोई और नहीं कर पाता। सही बात है। हाय मखानम, सच कह रही है। महसूल का सोना लाया होगा या नहीं? वालिदा खुदा करे कि ये मसला हल कर दिया हो। अर्तुरुल भाई ने अलनचक बलून मुंह खोले कबीले को निकलने की तैयारी में है। मेरे को बेबुलाद पे हंसी आ रही है कसम से यार, मजा आ गया भाई। भाई सच में इस खत्ते की बुनियाद हक और इंसाफ पर रखी है। मैं इस सरजमीन को जुल्म से आलूदा नहीं होने दे सकता। अगर कोई नाइंसाफी के रास्ते पर चलेगा तो वो न सिर्फ गाय कबीले में बल्कि हर जगह मुझे अपने सामने पाएगा हरीफ के तौर पर। और सरदार आला का मतलब जानते हैं आप अर्तुरुल सरदार? अगर उसकी मुसलसल नाफरमानी हो और उसकी बहन का खून भी बहाया जाए तो वो क्या करेगा? मैं ये सब कभी ना करता। तुमसे ज्यादा मैं सरबराह के फराइज जानता हूं। सरदारी सिर्फ ये नहीं कि हासिल कर लिया जाए मनसब को, आप अपने लोगों को क्या देते हैं ये आम है। अगर इताअत चाहते हैं तो इंसाफ करना सीखिए पहले। जो मुझे करना चाहिए मैं वही कर रहा हूं। सरदार आला की हैसियत से मेरा साया हर शख्स पर है और उसमें आप भी शामिल हैं। साया सोने का इंतजार कर, अगर आप आज रात तक सोना ना ला सके तो वो कबीले को जलाकर राख कर देंगे और इस बार मैं भी आपको नहीं बचा सकूंगा। बचाने वाला तो अल्लाह। मेरी जिंदगी तक कोई भी शख्स ये हिम्मत नहीं कर सकता कि मेरे कबीले को नुकसान पहुंचाए। और ये बात अलंजक को भी अच्छी तरह मालूम है। इतनी ताकत कोई शख्स नहीं रखता बेबोरान सरदार, आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। खुद पे इतना यकीन ना रखें अर्तुरुल सरदार, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। मेरा हुक्म इस खत्ते में माना जाता है। दूसरे कबाइल के सरदारान की तरह जो फैसला भी मैं करूं वो फैसला मानना होगा आपको। अब इजाजत दीजिए मुझे, कमांडर अलंजक इंतजार कर रहे हैं। दरख्त भी सूख जाते हैं और इंसान मर जाते हैं, इसलिए तकिया ना करें किसी पर। सही कहा। अमीर बहाउद्दीन का अंजाम
भूल गए क्या? उसकी मौत भी मंगोलों की तलवार से ही हुई। जिस दिन तुम्हारी गर्दन पर उनकी तलवार आई, उस दिन तुम भी कोई मददगार नहीं पाओगे। बेशक मुमकिन है तुम्हें अपने मरने की वजह भी मालूम ना हो पाए। एर्थरल भाई क्या दिमाग लगा रहे हैं एपिसोड में भाई। ये फिफ्थ सीजन में होगा, कितने बंदों को मरवाया इन्होंने दिमाग से। वो भी से घेर लिया है सुबुताई। सिपाही काई कबीले के नजदीक हैं जनाब, हमले के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। अगर वो सोना लेकर नहीं आया तो इस बार किसी पर रहम नहीं किया जाएगा। पूरे काई कबीले को तबाह कर देंगे हम। हलाकू खान के पास जो हमें संदूक भिजवाना है उसे जल्द से जल्द उनके पास भिजवा दो। हो सकता है वो संदूक मिलने से कुछ वक्त तक उनका गुस्सा कम हो जाए। अगर कहकर उस ना मिला तो बहुत बुरा होगा हमारा अंजाम। आपके हुक्म के मुंतजर हैं। अलन जग बिल्कुल पागल हो गया है बेटा। सिपाहियों के मारे जाने पे बहुत गुस्से में दाखिल हुआ था कबीले में। भाई उसने खुसूसी तौर पर हमें निशाना बनाकर रखा हुआ है। अगर कुछ ना कर सका तो हम पर इल्जाम लगा देगा। इंतकाम लेना चाहता है वो हमसे। अगर कहकर उसे ना मिला तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अगर उसे सोना ना मिला तो वो हर शख्स को अपनी तलवार के नीचे ले आएगा बाबा। अलन जग जानता है कि हमारा कबीला दीगर कबाइल की तरह आम कबीला नहीं है। उसे पता है कि इन इलाकों में उस वक्त तक अमलदारी कायम नहीं कर सकता जब तक हमें फरार न कर दे। तो अगर आज उसे कोई बहाना ना मिला तो कल फिर किसी दूसरे बहाने के साथ यहां आ जाएगा। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, गीदड़ भपकियों से शेरों का कुछ नहीं बिगड़ता। कड़क यार भाई साहब, सच में गिदड़ भक क्या देता है ये भक्कू, ये क्या नाम है इसका, बेबड़ू बाल बस्ती, और इसकी बहन सिरमी। सिरमी रो रो और रो, जोर जोर से रो, हम हंसेंगे तुझ पे। इतना जुल्म किसी पे करना है जब इनसे खुद पे होता तब इनको लगता है। बस करो बैठ जाओ, दूसरों के साथ अच्छा करना सीखो। नहीं है तुम्हारा ये जख्म कुछ भी नहीं, असल जख्म तो आपने दिया है। तुम्हारा मतलब क्या है, कैसे पूछ सकती है आप ये? आज तक समझ नहीं पाई मैं आपको। क्या नहीं समझ सकी बताओ? अगर आप वहां गवाही नहीं देती तो उस सलजान को सजा मिल चुकी होती। क्या मिला आपको ये करके? तो क्या करती मैं, खुलम खुला झूठ बोलती सबके सामने? और सभी ने गवाही दी थी वहां, ये तो होना ही था। उनकी हर मुमकिन कोशिश थी कि सलजान को बचा सके, लेकिन मेरी अपनी बहन ने उसके हक में गवाही दी। तो क्या झूठ कहती? क्या झूठी गवाही देना हमें जेब देता है सिमा? तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन ऑन डरली सर्थरल सीज़न 5 एपिसोड नंबर 58 पार्ट 2। कड़क जबरदस्त स्वाद, नहीं बहुत स्वाद आ गया ये वाला सेकंड पार्ट देख के तो। मज़ा नहीं, बहुत मज़ा आया जब इर्तुल भाई की एंट्री हुई ना,
अनएक्सपेक्टेड एंट्री, जब अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं ना भाई, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा ये। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाबाश, बाय, टेक केयर, सी यू।